बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो आज जो हम कार्बन ब्राउजर का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, क्या ये टोकन हमें लेना चाहिए या इसको छोड़ देना चाहिए, या इससे अच्छे बहुत सारे ब्राउजर हैं मार्केट में, क्या उनको लेना चाहिए, इन सब बातों के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाल के इसको आपको बताएंगे कि भाई ये टोकन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। गीट से लेके पैनकेक सिरप पूल फार्म तक के कलर्स को देख लो, और उस कलर के हिसाब से ये एलोकेशन इतनी परसेंट इन लोगों को, इन डिपार्टमेंट्स को, लोगों को दी गई है। ठीक है, अब इतनी दी गई है, अब ये डिपेंड करता है कि ये कब तक अनलॉकिंग होगी इनकी, और ये मार्केट में टोकन आएंगे और इन लोगों को मिलते रहेंगे, ये भी मैटर करता है। अब थोड़ा और आगे जाते हैं, एलोकेशन एंड वेस्टिंग। हाँ, ये जो चीज़ है, ये जो मैंने कलर के जितने भी बताए बंदे, तो उसके जो उनको जो वेस्टिंग होगा, तो देखो वेस्टिंग के मंथ देख लो, मोटा मोटा 21 मंथ जो 80 मिलियन टोकन 21 मंथ के लिए, फिर 5 मंथ के लिए, फिर 120 डेज के लिए, फिर 12 मंथ के लिए, ये 19 मिलियन 12 मंथ के लिए, फिर ये 3 मंथ क्लिफ है, और धीरे धीरे करेंगे नीचे, तो 45 मंथ के लिए भी है, और 45 मंथ के लिए कितना है 241,000 करके है, और 45 मंथ के लिए यहाँ पे। तो दोस्तों देखा जाए तो जो मोटे मोटे जो एलोकेशंस इनको दी, एलोकेशन मतलब जो मार्केट में इनको देंगे, मतलब धीरे धीरे आएंगे पर मंथली बेसिस पे, तो मोटे मोटे 12 से 2 साल, मतलब 12 से डेढ़ साल, 12 महीने से डेढ़ साल तक के टोकन मार्केट में आएंगे। अब ये भी देख लेते हैं यहाँ पे कि ये जो 12 से डेढ़ 2 साल जो भी बताया इन्होंने, मार्केट में टोकन आते जाएंगे, इस प्रोजेक्ट को कितना टाइम हो गया ये भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ट तो बड़ा प्यारा बनाया है, एकदम ऊपर आते ही ऊपर, फिर उसके बाद एकदम नीचे, थोड़ा सा चार्ट मेरे को अच्छा नहीं लगा इसका। चलो एनीवे, हमें तो ये देखना है कि इसमें पैसा लगाना है कि नहीं लगाना। तो यहाँ पे ये 18 फरवरी को यहाँ पे कॉइन जैको के ऊपर लिस्ट हुआ था, तो समझ लेते हैं कि 1 फरवरी से काउंट कर लेते, पूरा फरवरी का महीना काउंट कर लेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पे इंडिविजुअल वॉलेट एमिशन शेड्यूल, तो ये जो कलर मैंने बताया था इनको पहचान लो, जितने भी ये कलर हैं, इन कलर वालों को जो भी टोकन आएंगे वो आएंगे 44 मंथ के अंदर। दोस्तों एक साल में जो टीम के जो है 11-12 महीने तक ये अनलॉक होंगे, मतलब 11 महीने में अनलॉक हो जाएंगे। उसके बाद जो बाकियों के अनलॉक होंगे, मोटे मोटा हम ये देख लेते हैं कि 44 मंथ के अंदर इनके 300 मिलियन टोकन अनलॉक होने हैं। किसको होने हैं? सीड इन्वेस्टर को, पब्लिक लॉन्च पे टीम, KOL, मार्केटिंग, डेवलपमेंट वालों को, स्टेकिंग, रिवार्ड वगैरह। स्टेकिंग कहाँ से देंगे? वो यहीं से देंगे, तो लिक्विड एंड MM एंड लिस्टिंग, कम्युनिटी गवर्नेंस दाओ। तो इन सबको जो टोकन रिलीज होंगे 44 मंथ में। अब ये देख लेते कि 44 मंथ में इतने तो दे देंगे। अब मार्केट में 44 मंथ के अलावा ये जो टोकन में कितने टोकन और कब तक आ जाएंगे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है 44 मंथ, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पूरे होते हैं 44 मंथ। तो फ्रेंड्स फरवरी में ये हुए थे अनलॉक, तो फरवरी, अब अप्रैल चल रहा है, इसको 4 महीने हुए हैं। ठीक है, 4 महीने हुए हैं, और इसकी कहीं ना कहीं सप्लाई यहाँ पे होगी। यहाँ पे होने का मतलब है कि 175 मिलियन के आसपास से मार्केट में सप्लाई होगी आज की डेट में, अगर इसको 4 महीने हो गए हैं मतलब सर्कुलेशन में, और इसके बाद ये एकदम तेज़ी से बढ़ती चली जाएगी, और यहाँ तक जब 44 मंथ हो जाएंगे, 44 मंथ का मतलब 12×3=36, 12×4=48, 3.5 साल, 3.5 साल के आसपास ये पूरे मार्केट में आएंगे। अब हम देख लेते कि बुल रन, समझ लो कि 2025 में बुल रन होगा, तो 12 ये हो गया, मतलब 1 साल ये हो गया, और अप्रैल 2024 में ये हो गया 1 साल, और अप्रैल 2025 में ये 2 साल हो गया, मतलब 12×2=24 महीने। तो 24 महीने के हिसाब से कुछ सप्लाई यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 500 मिलियन के आसपास सप्लाई आएगी मार्केट में। तो अभी जो सप्लाई है 175 है, तो एक साल के अंदर मतलब 2 साल के अंदर अंदर सप्लाई यहाँ पे आएगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि 2 साल के अंदर इतनी आएगी, तो अगर आपको 1 साल देखना है तो 1 साल यहाँ पे आएगी 12 महीने के आसपास। तो मतलब 250 मिलियन 500 मिलियन का रेशियो ले लो आप मोटा मोटा, तो 1 साल में 250 मिलियन हो जाएंगे और 2 साल में 500 मिलियन हो जाएंगे। तो समझ लो कि 2025 में अगर होल्ड भी करते हो इसको तो ये 500 मिलियन टोकन भी मार्केट में आ जाएंगे। और क्या इसको बाय करना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा और डेवलपमेंट भी देख लेते हैं। कार्बन ब्राउज़र इसका नाम है, और ये आप कहाँ से भी, ये जो आप गूगल प्ले से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब ये देख लेते हैं कि इसकी जो अपडेट्स क्या है, इनकी यूटिलिटी क्या है। क्या पता इनकी कोई ऐसी खास यूटिलिटी हो जिसकी वजह से इसको होल्ड करना पड़े। तो सबसे पहले कि इसके अंदर DeFi भी है, NFT मिंटिंग के लिए भी इनका टोकन यूज़ होगा, स्टेकिंग के लिए भी होगा। स्टेकिंग के लिए मोस्ट ऑफ द टोकन्स यूज़ होते ही होते हैं। और मतलब इसमें NFT भी है, DeFi भी बता रहे हैं, कम्युनिटी गवर्नेंस DAO भी बता रहे हैं, कार्बन रिवार्ड्स भी बता रहे हैं, और कम्युनिटी गवर्नेंस DAO वोटिंग भी बता रहे हैं, कार्बन प्रो मंथ सब्सक्रिप्शंस, तो सब्सक्रिप्शन भी इसकी आएगी कार्बन प्रो जैसे ही लॉन्च होगा, या अगर हो गया होगा तो वो देख लेंगे या देख लेना। इनकी एप्लीकेशन जाओगे तो वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा कार्बन प्रो का, अगर आ रहा होगा तो मतलब ये स्टार्ट हो गया है। तो इन सब चीज़ों के लिए एड्स मार्केट प्लेस, ये भी सही है कि इसमें एड वगैरह जिसने चलानी है, तो देखो एड्स वगैरह चलाने के लिए इसको जो फेमस बहुत होना ज़रूरी है। अब जो हर कोई बंदा तो एड चलाएगा नहीं, पर हाँ इसका जो फेमस बहुत होना ज़रूरी है कार्बन ब्राउज़र का उसके लिए। और मेरे ख्याल में तो इतना ये अभी फेमस है नहीं, सबसे ज़्यादा गूगल है, गूगल के बाद मेरे ख्याल में तो पता नहीं कौन सा आता होगा, वो देख लेंगे। अब इसमें एड्स मार्केट प्लेस भी बताया गया है किस तरह से एड को पिक करके पब्लिशर और की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मार्केटिंग कर सकता है। तो कार्बन प्रो की खासियत बताई गई है कि कार्बन प्रो जो होगा इसके अंदर जो टोकन को यूज़ किया जाएगा, एड ब्लॉक का इकोसिस्टम होगा, एक्सटेंशन भी होगी इसकी, और अर्न मोर रिवार्ड्स। कार्बन प्रो को अगर पैसों से खरीदते हो, मतलब इसके जो एप्लीकेशन में कुछ पैसा देते हो, एड वगैरह एड ब्लॉक वगैरह लगी होगी, इसमें प्राइवेसी होगी, सिक्योरिटी होगी, और ये सब चीज़ें होंगी। गवर्नेंस DAO का बताया गया है, और इसके अलावा बर्निंग का यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इनका बर्निंग का भी है। अब कितनी बर्निंग होगी ये भी कहीं ना कहीं लिखा ही होगा। हाँ, यहाँ पे लिखा है 8% एनुअल % ऑफ प्रॉफिट विल बी बर्नड ईयरली विद 50% ऑफ रिमेनिंग सप्लाई रिमेन्स। तो 50% इसकी जो सप्लाई हो जाती है जैसे ही मतलब रह जाती है जब तक ये बर्न होता रहेगा ईयरली बेसिस पे। तो ईयरली ये जो ईयर है इसका तो बड़ा क्रूशियल जाने वाला है, बिकॉज इसका जो ये वाले ईयर में जो अनलॉकिंग होनी है, सारे के सारे टोकन इसके 3-3.5 साल में आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, क्या इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए ये भी देख लेते, कुछ खास चीज़ और अगर इसमें मिलती है तो वो भी देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ मुझे खास मिली नहीं, बिकॉज ब्राउज़र है, इसको आप करोगे तो रिवार्ड तो मिलेंगे, ब्राउज़ करोगे रिवार्ड मिलेंगे, एड ब्लॉक हो गए। बाकी हर कोई किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो अपना जो कंपैरिजन है वो काफ़ी अलग अलग वेबसाइट से करता ही करता है कोई भी। तो रोड मैप भी यहाँ पे है, KU1 KU2, अभी तो KU1 ही चल रहा होगा मेरे ख्याल में, फरवरी मार्च KU1 चल रहा होगा। तो KU1 में ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आने वाली है, JK सिंक, और तो KU1 ही चल रहा होगा अभी। CSIX लॉन्च विद लिस्टिंग ऑन पैनकेक, KuCoin गेट एंड BKEX। तो दोस्तों ये KuCoin गेट एंड BKEX के ऊपर लॉन्च करना है, ये ऑलरेडी हो चुका है आई थिंक KuCoin के ऊपर, देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये KuCoin गेट BKEX पे लॉन्च हो चुका है, मतलब जो इन्होंने बोला वो कर दिया। इनिशियल मार्केटिंग कैंपेन स्टार्टेड अक्रॉस PR CoinGecko। तो CoinGecko के ऊपर भी इनकी लिस्टिंग हो चुकी है ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने CoinGecko पे ही देखा था। ये ऐप अपडेट V6 फीचर न्यू UX and hosted decentralized cloud, आकाश नेटवर्क एंड पॉलीगन एज। पॉलीगन और आकाश नेटवर्क के साथ एंगेजमेंट होनी थी, वो भी हो चुकी है। स्टेकिंग डैप लॉन्च, यहाँ पे स्टेक कर सकते हो इस वेबसाइट पे जाके, वो भी हो चुका है। जेके इंटीग्रेशन अनाउंस्ड, तो इसमें अनाउंस्ड हुआ है, जेके इंटीग्रेशन अभी होगा नहीं, अभी अनाउंस्ड ही किया है, तो मतलब किया होगा या करेंगे वो देख लेना। मतलब ये सारी चीज़ें Q1 की हो चुकी है, Q2 की तैयारी है। ऐप अपडेट V7.0, मल्टी चेन वॉलेट एंड DVPN, तो मल्टी, इनका जो टोकन है मल्टी चेन वॉलेट के साथ कनेक्ट होगा। CSIX न्यू सेक्स लिस्टिंग होने वाली है Q2 के अंदर। इंटीग्रेटेड टोकन ब्रिज एंड स्वैप टेस्टनेट, तो टेस्टनेट उनका जो ब्रिज और जो स्वैप होगा उसका टेस्टनेट वगैरह ये स्टार्ट करेंगे। तो iOS ऐप टेस्टनेट लॉन्च करेंगे। एड्स लॉन्च, कार्बन सेल्फ सर्व बाय सेल एड मार्केट प्लेस, इनका जो मार्केट प्लेस है उसका जो इकोसिस्टम भी स्टार्ट होना है Q2 में। वैसे तो देखा जाए तो Q2 भी आने वाला, मतलब इसका ठीक ठाक, इसकी जो Q2 में जो रोड मैप के साथ सब ये काम करेंगे, और जब भी करेंगे हो सकता है इनके पास कुछ वॉल्यूम और आ जाए। तो दोस्तों प्रेशर जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा इन टोकन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा। मार्केट में बहुत सारे टोकन आएंगे और बहुत सारे लोगों ने इनके जो टोकन को स्टेक भी किया होगा, स्टेक का जो रिवार्ड आएगा तो रिवार्ड भी वो मार्केट में डंप होना है। तो ये समझ लो कि ये जो टोकन है ये थोड़ा सा रिस्की लेवल पे है आज की डेट में। ऑफ कोर्स आपने इसका जो चार्ट देखा है वो भी बड़ा खतरनाक इन्होंने बनाया है। एक KuCoin और Gate.io एक्सचेंज के ऊपर तो है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे, कंपनी ने काफ़ी सारे टोकन यहाँ पे सोल्ड आउट किए हैं, ये साफ लग रहा है। हाइप क्रिएट हुई, उसके बाद डाउन और फिर डाउन डाउन डाउन। ऑफ कोर्स कंपनी के पास इस सबसे ज़्यादा होल्डिंग होती है, तो हम ये मानते हैं कि इनकी होल्डिंग मार्केट में बहुत तेज़ी से आई है और एकदम टोकन इनका डंप ही हुआ है। तो 0.042 मैं ये समझता हूँ कि ये और ज़्यादा डाउन जाएगा। फ़िलहाल मेरे हिसाब से 0.02 या उससे भी नीचे कहीं मिलता हो तो बाय करना। फ़िलहाल इसमें कुछ ऐसा, इतनी बड़ी कोई अपडेट नहीं है कि इसको, जो टोकन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाए। एक्चुअली जो ब्राउज़र्स वाले होते हैं ना टोकन, इसके अंदर क्या होता है कि आपने इसका एक्सटेंशन डाउनलोड किया, ब्राउज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको क्या टोकन मिलना शुरू हो जाएंगे। तो टोकन जब आपको मिलना शुरू हो जाएंगे तो आप क्या करोगे, या तो होल्ड करोगे या स्टेक करोगे। स्टेक करोगे तो रिवार्ड और मिलेगा, ठीक है, मतलब रिवार्ड मिलेगा। स्टेक करोगे तो और मिलने लग जाएगा रिवार्ड, आपका रिवार्ड बढ़ जाएगा। तो लास्ट में क्या करोगे, उस रिवार्ड को बेचोगे ही, क्योंकि टोकन की यूटिलिटी जो होती है ना, वो यूटिलिटी करने के लिए उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। आप तो मतलब मोस्ट ऑफ द 100 में से एक आधा बंदा इसके ऊपर ऐड तो चला देगा, 100 में से एक कह रहा हूँ। ऑफकोर्स कुछ ऐड चलाने वाले भी आ जाएंगे, तो यहाँ वहाँ यूज़ हो जाएगी। अब इसको कंसिडर क्या करें हम, NFT, इसके NFT भी मिंटिंग कर सकते हैं इस टोकन से। मतलब इसका जो मार्केट प्लेस, NFT का भी मार्केट प्लेस होगा, तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस भी होगा इसका। तो मतलब एक ही टोकन का जो यूज़ केस है मेरे हिसाब से एक ही होना ज़रूरी है। सोच रहे हो कि उस चीज़ को लेने के लिए, तो आई डोंट थिंक सो को ये राइट टाइम नहीं है इसका। ठीक है, इसमें अपडेट्स वगैरह आने वाली है और रोड मैप भी बनाया जाता ही इसलिए कि अपडेट्स वगैरह के लिए। बर्निंग का भी इकोसिस्टम है और सब है, और अच्छे खासे होल्डर्स भी होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि इसके होल्डर्स ज़्यादा हो या कम हो, कई बहुत सारे होल्डर्स फेक भी होते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें BSCscan का जो टोकन है, तो BSCscan पे जाएंगे, अगर देखते हैं कि इसके होल्डर्स कितने हैं, तो 11,766 एड्रेसेस हैं। ब्राउज़र वाले जो टोकन होते हैं ना, उसमें रिवार्ड्स तो मिलता ही मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ रिवार्ड के साथ ये भी देखना है तो उसकी डंपिंग भी होती है। हर कोई तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस या इनके ऊपर ऐड रन नहीं करेगा, तो बाकी के होल्डर्स क्या करेंगे, 100 में से एक यूज़ भी कर लेगा इनके टोकन। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या डंपिंग ही होगा। अब यूज़ कर लेगा, स्टेक कर लेगा, रिवार्ड ले लेगा, डंप करेगा, ऐसे ही ये सर्कुलेशन चलता रहता है। तो ब्राउज़र वाले जो टोकन्स होते हैं ना, इसमें मैं कभी भी तो पार्टिसिपेट लेता नहीं हूँ। है वेब 3.0 के नाम से काफ़ी चीज़ें तो मार्केट में है ही है, और लेकिन आई डोंट थिंक सो कोई इसमें आपको पार्टिसिपेट लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले 3.5 साल तक इसके टोकन मार्केट में आएंगे और उस हिसाब से एडॉप्शन जो हो रहा है ना कार्बन ब्राउज़र का अच्छा हो रहा होगा अभी, लेकिन उसी हिसाब से डंपिंग भी हो रही है। मतलब मार्केट में टोकन आ रहे हैं, अब टीम क्या उस टोकन को होल्ड करेगी? जरूरी है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। तो टीम अपने जो खर्चे वर्चे वो भी इसी से निकालती है, और बाकी कंपनी ने तो अपना खर्चा यहाँ से निकाल ही लिया होगा, जस्ट एन आइडिया, इसको जो डंप करके, ठीक है। एनीवे तो ये जो छोटी सी अपडेट थी कार्बन ब्राउज़र के बारे में, इनकी जो पार्टनरशिप है, कुछ पार्टनरशिप आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि ये कार्बन पूल्स से अगर पार्टनरशिप अगर इसकी हुई भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी पार्टनरशिप किसी से होना ना होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, बिकॉज इनकी पार्टनरशिप होने से वो इनके जो ब्राउज़र को तो यूज़ नहीं करने लग जाएगा। हाँ, एक सपोर्ट मिल जाती है। कई बार क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी पार्टनरशिप जैसे ही होती है, जैसे बाइनांस के साथ हो गई या किसी और बड़ी कंपनी के साथ हो गई। अब ये पूल्स के साथ दिखाया है ये, ठीक है। पूल्स का जो टोकन है इसके साथ पार्टनरशिप हुई है, पूल्स की कंपनी के साथ इसके साथ पार्टनरशिप हुई है, गिव अवे वगैरह दिया है। पूल्स तो फिलहाल अभी रिसेंटली में इनका टोकन हैक हुआ था, बहुत जबरदस्त, और लोगों के पैसे बड़े फंसे थे उसमें, ठीक है। तो बात ये नहीं है कि कार्बन ब्राउज़र भी फेक है, इट्स गुड, यू नो, सब कुछ सही है, काफ़ी चीज़ें अपडेट दी है, टाइमली रोड में अपने काम की है, बट फिलहाल के लिए मैं आपको मना करता हूँ कि इस टोकन में पार्टिसिपेट मत करो, बिकॉज इस टोकन में पार्टिसिपेट करोगे तो डंपिंग ही होना है, क्योंकि मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग के लिए भी पैसा निकाल तो रही है, लेकिन ये उस हिसाब से मार्केटिंग मुझे लगता नहीं जब होगा। और ब्राउज़र कितने ब्राउज़र करोगे और हर ब्राउज़र से क्या क्या अर्न करोगे? बहुत सारे ब्राउज़र ऑलरेडी मार्केट में हो चुके हैं, ठीक है, जो टोकन से रिलेटेड है और बेटर है। मतलब ऑफकोर्स ये हर कोई ये क्लेम करता है कि मैं प्राइवेसी में बेटर हूँ, या ये मेरी जो स्पीड है वो ज़्यादा अच्छी है, या कुछ भी ऐसा क्लेम करते हैं। बट जैसे कि ब्लॉकचेन में स्पीड और यू नो कितनी ट्रांजेक्शन पर सेकंड है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा स्लो स्पीड वाला और जिसकी ट्रांजेक्शन कम है उसका जो हाई रेट है इथेरियम का आज की डेट में, तो स्केलेबिलिटी इन चीज़ों से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें भी ये स्पीड के बारे में बता रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। टीम बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। मेरे हिसाब से ये टोकन का जो शेड्यूल एंड टाइम है ना, वो जो लेने का है वो अभी नहीं है, अभी रुक जाओ। मतलब ये आने वाले 3 साल तक ये जाएगा। ऑफकोर्स ये 2, 3, 4, 5 गुना हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। क्रिप्टो है, कंपनी के पास पैसा है, कल को अपने टोकन को एक रिकॉर्ड बनाने के लिए खुद भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें लॉस में हो तो थोड़ा सा अपना प्रॉफिट वगैरह मैनेज करो और कोशिश करो कि अगर इसमें कोई अपडेट आती है, जैसे वो मैंने बताया ना Q2 में, Q2 के अंदर इसका एक अपडेट वगैरह आने वाली है, वहाँ जहाँ पे हाइप मिले इसको अच्छी खासी, वहाँ तक होल्ड करो, और जब निकलना हो तो आप अपने हिसाब से निकल जाना। पर अगर कोई मेरे को कहे कि ये टोकन में पार्टिसिपेट लेने के लिए, तो मैं नहीं लूँगा, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। वैसे ब्राउज़र अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, देखने में किसी तरह की कोई चीज़ें नहीं है, कमी मुझे लगी, लेकिन कमी मुझे लगी केवल और केवल इसकी टोकनमिक्स में, ठीक है। तो ये छोटा सा अपडेट था कार्बन ब्राउज़र के बारे में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।